नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में वोटरों के लिए दिशा निर्देश जारी। बिहार में आज जमकर होगी बारिश। बिहार के 12 जिलों में नहीं मिला एक भी नया कोविड-19 संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार। बिहार में एम फार्मा की पढ़ाई को मिली मंजूरी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायत चुनाव में वोटरों के लिए दिशा निर्देश जारी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं को लेकर भी अब दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ये साफ किया गया है कि ईवीएम का बटन दबाने से पहले हर वोटर को हाथ में ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण से लेकर नामांकन और मतदान से लेकर मतगणना तक, यहाँ तक कि आवागमन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही मास्क का तो हर हाल में उपयोग करना ही है। मतदान से जुड़े कर्मियों और पदाधिकारियों को बड़े हॉल में 6 फीट की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था रखी जाएगी। मतदान केंद्र हो या प्रशिक्षण की जगह या फिर वज्रगृह, सभी जगह पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा सामान्य वोटरों के वोट कास्ट करने के बाद मतदान कर्मी पीपीई किट पहनकर कोरोना लक्षण वाले मतदाताओं को पूरी सुरक्षा के साथ वोट दिलवा सकेंगे। बिहार की गंगा, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां उफान पर। बिहार के आसपास के इलाके में बारिश के साथ ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद से बिहार की एक बड़ी आबादी बाढ़ का सामना करने पर मजबूर है। आपदा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की गंगा, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में नदियों के किनारे स्थित इलाकों की स्थिति भी काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में पानी बढ़ने के चलते समस्तीपुर दरभंगा डाउनलाइन पर ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जिले के कई इलाकों में सड़कों पर पानी छोड़ने से लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। दरभंगा के हनुमान नगर में बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई है। इसके साथ ही बूढ़ी गंडक के जल स्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर जिले के तटीय इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जगहों पर सड़कें धस गई हैं। वहीं ब्लैकआउट का भी खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 1.72 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बिहार में आज जमकर होगी बारिश। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। यही कारण है कि राज्य में बारिश की रफ्तार भी कम नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश फिलहाल हो रही है। हालांकि अगले 24 घंटे के लिए बिहार के सभी जिलों के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। इस बाबत मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में मॉनसून की सक्रियता में थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसके चलते आने वाले अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में अगले 24 घंटे के लिए ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही उत्तर बिहार और नेपाल में हो रही बारिश के कारण आसपास के गांव में बाढ़ को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। कोरोना काल में बिहार वासियों ने पीएफ से 3 गुना ज्यादा निकाले पैसे। बीते एक साल में कोरोना की मार झेल रहे बिहार के कई लोगों का व्यापार और नौकरी ठप हो गया है। यही कारण है कि बिहार में लोगों ने सालों से जमा किया पैसा भी निकालना शुरू कर दिया है। कई तो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कई लोगों ने पीएफ से 3 गुना ज्यादा पैसों की निकासी कर दी है। जानकारी के अनुसार साल 2020-21 में बिहार में पीएफ से पैसे के लिए क्लेम करने वालों की संख्या साल 2019-20 की तुलना में 1,66,101 अधिक रही। इसी अवधि में भुगतान भी 309.45 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान भी हुआ। साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में मौजूद पीएफ कार्यालय में 2019-20 में पीएफ से निकासी के लिए 1,66,713 आवेदन मिले थे, जबकि साल 2020-21 में क्लेम की संख्या बढ़कर 3,32,819 पर पहुंच गई। बीते दिन बिहार के 12 जिलों में नहीं मिला एक भी कोविड-19 संक्रमित। बिहार में कोविड-19 की रफ्तार पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में बिहार के 12 जिले में एक भी मामला सामने नहीं आया है। जहां पर कोविड-19 मरीजों की पुष्टि बीते 24 घंटे में घट गई है, यह जिले हैं बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा और सीतामढ़ी। इतना ही नहीं, बिहार में 99% रिकवरी रेट भी पहुंच गई है। यानी कि बिहार में सिर्फ 26 जिलों में मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके साथ 24 घंटे में कुल मिलाकर 87 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना और पूर्णिया में 13-13 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं बिहार में इस दौरान 1,31,084 सैंपल की जांच की गई और अभी तक 865 कोविड-19 के एक्टिव मरीज बचे हैं। बिहार में एम फार्मा की पढ़ाई को मिली मंजूरी। मेडिकल में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए अहम सूचना। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को एक साथ दो बड़ी उपलब्धि मिली है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध अगमकुआं स्थित फार्मेसी कॉलेज में एम फार्मा की पढ़ाई दो विषयों में शुरू करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति ने स्वीकृति दे दी है। बिहार के किसी सरकारी कॉलेज में एम फार्मा का पठन पाठन पहली बार आगामी शैक्षणिक सत्र में शुरू होने वाला है। बी फार्मा की सीट 60 से
से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इसके साथ ही एम फार्मा का पठन पाठन शुरू करने के लिए शिक्षक वर्ग कक्ष प्रयोगशाला सभागार लाइब्रेरी तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। यहाँ शिक्षक के स्वीकृत 20 पदों में से 8 पर अनुबंध तथा 5 पर अतिथि शिक्षक कार्यरत है। रिक्त सीटों पर शिक्षक बहाली किए जाने के लिए विभागीय प्रक्रिया जारी है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी छुट्टी मनाने पहुंचे अपने गांव। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने गांव गोपालगंज में है। वो अपने पैतृक गांव बरौली के बेलसंड में परिजनों के साथ है। पंकज त्रिपाठी को जैसे ही मौका मिला वैसे ही पंकज त्रिपाठी अपने गांव गोपालगंज पहुंच गए। यहां अतिथि भवन में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार और सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने उन्हें थावे महोत्सव का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की और कहा कि बॉलीवुड की चकाचौंध से जब भी उन्हें समय मिलता है वो अपने गांव और अपने शहर में जरूर जाते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं। उनका अपने गांव और शहर से कनेक्शन है। यहां आने के बाद उन्हें सुकून मिलता है। वो अर्थिंग लेने के लिए अपने गांव में आते हैं। उनकी जड़ें उनके गांव से जुड़ी है, इसलिए उन्हें जब भी समय मिलता है वो बिहार जरूर आते हैं। बिहार में फर्जी कंपनियों के खिलाफ इनकम टैक्स ने की बड़ी कार्रवाई। इनकम टैक्स विभाग ने बिहार में फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग की विभिन्न टीमों ने कई स्थान पर 50 से ज्यादा फर्म पर एक साथ छापेमारी की। इनमें 49 फर्म फर्जी पाए गए थे। यह सभी फर्म या तो गलत पते पर चलाए जा रहे थे या फिर गलत तरीके से इनका संचालन किया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार जांच होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 49 फर्म ने बोगस या गलत बिल के आधार पर 958 करोड़ का लेन देन कर लिया है। यह फर्म मुख्य रूप से आयरन, स्टील, कोल, कॉपर, स्क्रैप, लैंड एंड से संबंधित अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए। यह फर्म इन सामानों का आयात निर्यात करती है लेकिन उसके अनुपात में टैक्स कम जमा करते हैं या नहीं देते हैं। यह सारा लेन देन फर्जी कंपनी बनाकर करते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट स्थापना के बाद से ही लगातार कई कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर चुका है। एयरपोर्ट की तरफ से दी जा रही सुविधा के कारण बन रहे लोगों की संख्या पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी काफी खुश है। इसके साथ ही यात्रियों की संख्या बढ़ता देखकर इससे विकास को लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एयरपोर्ट ने बीते दिन एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है जिसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट से एक दिन में सबसे अधिक यात्रियों ने सफर किया। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने वाली फ्लाइट से रिकॉर्ड यात्रियों बने यात्री कर यहां पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को 2805 यात्रियों का दरभंगा एयरपोर्ट पर आवागमन हुआ। इनमें से 1232 यात्री विभिन्न शहरों से उड़ान भरकर दरभंगा पहुंचे तो वहीं 1573 यात्रियों ने विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य सरकार ने एक ट्रक ड्राइवर को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। ड्राइवर को यह वादा उसे पटना पुलिस द्वारा 35 दिनों तक अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने के कारण देना पड़ा था। राज्य सरकार का कहना है कि एक चालक को 5 लाख रुपए का मुआवजा देना उचित नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि हमने एक जिम्मेदार सरकार की तरह से काम किया है और उसे हिरासत में लेने वाले SHO को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार को इस मामले में अपील में आना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि गरीब आदमी की आजादी का हनन एक संसाधनपूर्ण और अमीर व्यक्ति की आजादी का हनन से कमतर नहीं है। आजादी के मामले में इस समय में व्यवहार करना उचित नहीं है। यदि आदमी धनी है तो ज्यादा मुआवजा हो और यदि गरीब है तो कम मुआवजा दिया जाए। बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के दिखने लगे हैं संकेत। लोजपा में जारी पारिवारिक और सियासी घमासान के बीच बिहार में नए राजनीतिक समीकरण आने के संकेत मिलने लगे हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच छिड़ी जंग में राजद चिराग पासवान को अपने खेमे में शामिल की पूरी कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही संकेत दे दिए थे कि चिराग पासवान को फैसला लेना है, मेरी ओर से उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली में 12 जनपद आवास पर राजद के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो तेजस्वी के इशारे पर श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बिहार की सियासत में जाति आधारित जोड़ घटाव पर विस्तार से चर्चा की गई है ताकि आने वाले समय में NDA को शिकस्त दिया जा सके। तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित गांव का किया दौरा। तबियत ठीक होने के बाद तेज प्रताप यादव बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने बीते दिन बिथान प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पंचायतों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से बातचीत भी की। लेरझाघाट में नाव पर सवार होकर विधायक ने बेलसंडी, निरबा, मनभौरा, सलहा, चंदन सलहा, बुजुर्ग फुहिया, लाल खिंचनी, करकोलियां, कोराही आदि गांव का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने बाढ़ क्षेत्र में नाव की संख्या बढ़ाने, विस्थापित लोगों के लिए उचित स्थान को चिन्हित कर रखने की व्यवस्था करने, साथ ही समुदाय किचन की व्यवस्था करने की और सभी वार्ड को नाव उपलब्ध करवाने और शुद्ध पेयजल के लिए उचित स्थान पर चापाकल गड़वाने और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने, स्कूल भवन पर बाढ़ पीड़ित को ठहराने की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है। सिवान के शहाबुद्दीन की MBBS बेटी की हुई सगाई। सिवान
भोपाल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भले ही आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनके परिवार में खुशियों के पल एक बार फिर से आ गए हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन की पुत्री की सगाई शनिवार को मोतिहारी के रानीकोठी पुरानी हवेली में सैयद मोहम्मद शादमान से करवा दी गई है। शादमान मोतिहारी के रहने वाले हैं। समारोह में पूर्व सांसद के पुत्र ओसामा साहब के साथ ही बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री और सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर विधायक हरीश शंकर यादव समेत कई नेता शामिल हुए थे। इस अवसर पर शहाबुद्दीन की बेटी ने पिता की अनुपस्थिति को महसूस किया। जानकारों के अनुसार शहाबुद्दीन की बेटी एक MBBS डॉक्टर है। वहीं शादमान पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय स्थित ज्ञान बाबू चौक के समीप रानीकोठी निवासी जिले के संपन्न किसान के पुत्र है। शाहनवाज हुसैन ने गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किया उद्घाटन। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सुल्तानगंज पहुंचे और वहां उन्होंने 100 अत्याधुनिक के जूकी मशीन से लैस असरगंज में गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कर दिया, जिसमें अत्याधुनिक मशीन से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू होने वाला है, जिसके बाद यहां पर आधुनिक मशीनों से कपड़ों की कटाई जिससे लेकर सिलाई और पैकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। इसमें स्थानीय महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और घर के पास ही उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बिहार उद्योग की राह पर आगे बढ़ रहा है, पूरी कोशिश है कि बिहारवासियों का वर्क फ्रॉम होम का सपना पूरा हो जाए। उन्होंने फैक्ट्री का हवाला देते हुए कहा कि यहां इस फैक्ट्री में देखिए कि आसपास की महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, सिलाई सीख रही हैं और काम कर रोजगार भी पा रही हैं। बिहार को लेकर छोटे बड़े सभी कारोबारियों का रुझान बदल चुका है, बिहार उनकी पसंदीदा जगह बनती जा रही है। भारत में COVID-19 के मिले 40,000 से ज्यादा मामले। कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 41,506 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 895 की मौत हो गई है। इससे एक दिन पहले 42,766 नए मरीज मिले थे और 1206 लोगों की जान चली गई थी। वहीं कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश में शनिवार को कोरोना वायरस के लिए 18,43,500 सैंपल टेस्ट किए गए। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर 43,08,85,470 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में भारी संख्या में उद्योग की स्थापना करने में सरकार सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।